हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि लाइट बोर्ड तो आपने कई देखे होंगे लेकिन वहां पर कई सारे ड्रॉबैक्स थे जिनका सॉल्यूशन आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेरीज होंगे या जितने भी आपको डाउट्स होंगे उन सभी के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इस वीडियो के बीच में कहीं मिल जाएगी, तो वीडियो को जरूर देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं कि लाइट बोर्ड क्या है। बेसिकली लाइट बोर्ड एक काफी एडवांस कह सकते हैं या काफी तगड़ी टेक्नोलॉजी है किसी भी तरह के लेक्चर वीडियोस को शूट करने के लिए। लेक्चर वीडियोस को हम आसानी से शूट कर सकते हैं एक बजट फ्रेंडली अपने लाइट बोर्ड को बनाकर। चलिए कैसे वर्क करता है उस सब के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं कि वो क्या चीजें हैं और कैसे उनके बारे में हम उन चीजों का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं और कैसे वो सब वर्क करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांस लाइट बोर्ड के बारे में। एडवांस लाइट बोर्ड जो है ये काफी अच्छा या काफी तगड़ा मैं कह सकता हूं इन कंपैरिजन टू प्रीवियस वंस, जो पुराने लाइट बोर्ड हैं उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी अच्छा है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स, जैसे पिछले लाइट बोर्ड्स के काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे, वैसे तो बिल्कुल नहीं है, इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है। सबसे पहले बात करते हैं हम रियल, देखिए क्या क्या हम इस एडवांस लाइट बोर्ड में कर सकते हैं। मैं अगर आपसे बात करूँ रियल टाइम एनिमेशन की या पिक्चर्स की या टेक्स्ट की, तो क्या हम इसमें कर सकते हैं? रियल टाइम से क्या मतलब है? रियल टाइम से मेरा मतलब है कि जो पुराने लाइट बोर्ड थे हम उनमें कभी हमको एनिमेशन या टेक्स्ट पिक्चर्स लगाने होते थे तो उसके लिए हमें OBS की ज़रूरत पड़ती थी, और उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक ये होता था कि हमें अंदाजे से चीज़ें पढ़ानी पड़ती थी या सामने एक TV स्क्रीन लगानी पड़ती थी जहाँ पर हमको एनिमेशन दिखता था और फिर हम ग्लास में अंदाजे से उसको पढ़ाते थे। लेकिन क्या रियल टाइम में, यानी कि क्या मुझे अपनी आँखों से ग्लास के ऊपर एनिमेशन दिख सकता है लाइट बोर्ड में, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं पिक्चर्स और टेक्स्ट। क्या हम कोई पिक्चर लगाएं लाइट बोर्ड में और वो हमको हमारी आंखों से ग्लास के ऊपर जब हम पढ़ा रहे हैं तभी दिख रही है या नहीं, ये पॉसिबल है क्या नहीं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। सेम टेक्स्ट के बारे में, और फिर हम इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या इन एनिमेशंस को लगाने के लिए फिर से OBS की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि OBS में मैं आपको एक बहुत कड़वी सच्चाई बताऊं, क्योंकि जो टीचर्स कम्युनिटी है, टीचर लोग हैं, वो अपनी पढ़ाई के ऊपर, टीचिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि वो इन सब टेक्निकल चीज़ों में घुसना पसंद करते हैं। तो OBS काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सा सॉफ्टवेयर मैं कहूँगा, अगर कोई टीचर उसको यूज़ करना चाहे तो सब कोई उसको यूज़ नहीं करना चाहते, सब चाहते हैं थोड़ा सा सिंपल इंटरफेस हो जिसको आसानी से यूज किया जा सके और जिसके फायदे भी काफी सारे हों। तो क्या इस लाइट बोर्ड में हमें OBS की जरूरत पड़ेगी लेक्चर शूट करने के लिए? वो सब क्या हम इस लाइट बोर्ड को जूम एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं जूम पर पढ़ाने के लिए या नहीं? क्या इस जो ये लाइट बोर्ड है बिना OBS के भी लेक्चर शूट हो सकते हैं कि नहीं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रियल टाइम एनिमेशन को लेकर। देखिए रियल टाइम एनिमेशन से मैंने भी आपको बताया था कि क्या इसमें ऐसा पॉसिबल है कि कोई चीज़ यहाँ लिखी है और वो मुझे मेरी आँखों से ग्लास के ऊपर ही दिख रही हो, तो यस इट इज़ पॉसिबल। अच्छी बात है ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि कोई अंदाजे से हमें चीज़ें पढ़ानी पड़ती थी, क्योंकि वो OBS के थ्रू हमने लगाई हैं, वो वर्चुअली वीडियो में तो जाएंगी लेकिन ग्लास के ऊपर नज़र नहीं आती थी। लेकिन इसका सॉल्यूशन है, ये जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है रियल टाइम एनिमेशन, ये मुझे भी आंखों से ग्लास के ऊपर दिख रहा है, मैंने इसमें कोई OBS यूज़ नहीं किया है इस टेक्स्ट को लगाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि एनिमेशन जो है वो कैसे लग सकते हैं, कितने अच्छे लग सकते हैं इस लाइट बोर्ड के ऊपर जो हमें हमारी आँखों से भी नज़र आ रहे हैं ग्लास के ऊपर, आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए Look at these flowers. These are really beautiful and they are looking amazing. उसके बाद में
आप ये देख सकते हैं, ये भी कितना कूल लगता है। मैं इस पूरे लाइट बोर्ड को अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकता हूँ, चीज़ों को जूम कर सकता हूँ, आगे पीछे करके आपको सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ, चीज़ों को ऐसे पॉइंट आउट कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ को चाहूँ तो मार्क कर सकता हूँ। और ये काफ़ी कूल लगता है, ईजी टू यूज़ है, और आपको इसमें OBS के द्वारा ये एनिमेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कितना कूल लगता है ये। ओके, ये तो कुछ चीज़ें थी। चलिए अभी बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, पिक्चर्स और टेक्स्ट। तो जब हम इसमें एनिमेशन लगा सकते हैं तो ये तो बिल्कुल एकदम पॉसिबल है ही कि हम इसमें पिक्चर्स और टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अर्थ की पिक्चर नज़र आ रही होगी और यहाँ पर ये लिखा हुआ है पिक्चर्स एंड टेक्स्ट। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं ग्राफ्स। देखिए पिक्चर्स में ये ग्राफ है। अगर आप मैथमेटिकल के या CA कॉमर्स के या ह्यूमैनिटीज़ किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, पढ़ाई की आपके किसी भी तरह के इमेजेस हैं, आप उनको लाइट बोर्ड के ऊपर दिखा सकते हो, पढ़ाते टाइम वो आपको भी नज़र आएंगी और ये काफ़ी एक अच्छी बात है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्या इन सब चीज़ों को लगाने के लिए अभी भी हमें OBS की ज़रूरत पड़ेगी क्या, क्योंकि OBS में सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और काफ़ी सारे टीचर्स को जिनका टेक्निकल हैंड अच्छा नहीं है वो इसको अवॉइड ही करना चाहते हैं। तो इस तरह के लाइट बोर्ड में लेक्चर शूट करने के लिए हमें नहीं पड़ने वाली है ज़रूरत OBS की, बिना इसके हमारा काम चल जाएगा। हालांकि लाइव लेक्चर्स लेने के लिए, अगर आपको लाइव लेक्चर्स लेने हैं तो वहाँ पर आपको OBS की सिर्फ इतनी ज़रूरत पड़ेगी कि आपको एक क्लिक करना होगा वीडियो में, जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे उसके लिए आपको OBS की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। आपको OBS से एनिमेशंस, टेक्स्ट, पिक्चर नहीं लगाने पड़ेंगे, वो सब कुछ ऐसे ही नज़र आ जाएगा, आपको अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं उसको, बस थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। उन सब चीज़ों के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि वो सब चीज़ें कैसे होती हैं या ये लाइट बोर्ड कैसे वर्क करता है, उन सब चीज़ों के लिए हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप बहुत ईजीली। चलिए अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट, जूम। क्या हम जूम एप्लीकेशन के ऊपर लाइव लेक्चर्स ले सकते हैं इस लाइट बोर्ड को यूज़ करके? तो यस, हम ऐसा कर सकते हैं और हम जूम के ऊपर यूजिंग OBS में एनिमेशन पिक्चर्स नहीं, सिर्फ एज अ लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर, सिर्फ एक स्ट्रीम की डालनी होती है और क्लिक करना होता है बस। हाँ जी, हम जूम के ऊपर हर तरह के लाइव लेक्चर्स ले सकते हैं इस लाइट बोर्ड को यूज़ करके। चलिए अभी बात करते हैं लेक्चर रिकॉर्डिंग विदाउट OBS। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े OBS की? तो बिल्कुल, अगर आपको सिंपल लेक्चर आपको रिकॉर्ड करने हैं, स्ट्रीमिंग नहीं करनी, तो वो हो जाएगा आपका सिंपल ओपन कैमरा एप्लीकेशन से। कौन सी एप्लीकेशन? ओपन कैमरा एप्लीकेशन से आपका सारा काम हो जाएगा बहुत इजीली। ओके, अभी बात करते हैं क्या लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ये परेशान थे कि इसमें जो टेक्स्ट है वो उल्टे नज़र आते हैं, उनको सीधा कैसे करें लाइव स्ट्रीमिंग में, तो सिंपल सी बात है, आपको वीडियो फ्लिप करना पड़ेगा तो टेक्स्ट सीधे नज़र आ जाएंगे। सिर्फ क्या करना है, वीडियो को फ्लिप करना है। अब अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो डोंट वरी, मैं हूँ, मैं आपको ये चीज़ें समझा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ओके, अभी बात करते हैं कि ये वीडियो ख़त्म हो चुका है और अगर पसंद आया हो ना तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा और ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, इसलिए क्योंकि टीचर्स कम्युनिटी लॉकडाउन में बहुत परेशान है, किसी की हेल्प हो जाएगी तो दिल को सुकून मिलता है भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।